हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिक लीग। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। तो गाइस, इस वीडियो सीरीज में अब तक हमारी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं एंड ये लास्ट वीडियो है सीरीज की। और इस वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिक्योरिटी एनालिसिस। इससे पहले चारों चैप्टर की वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी मिल जाएंगे एंड दिस इज द लास्ट वीडियो। इसके साथ हमारी 20 मार्क्स जो हमने टारगेट किया था हमें SFM की थ्योरी कवर करनी, वो हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से, चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें दो टाइप के देखो, इस चैप्टर को समराइज करें तो दो चीज़ें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस उसके जो फैक्टर्स हैं, देन टेक्निकल एनालिसिस उसकी मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एजम्पशन क्या है, थ्योरीज और इवेल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसके अलावा कुछ चार्टिंग टेक्निक्स वगैरह हैं। तो ये सब मिला के पूरा चैप्टर बनता है, जिसमें 13-14 क्वेश्चन कुछ होंगे टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे निकालते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो भी आपको फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं एक सिक्योरिटी से, वेदर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड या जैसे भी हम देखते हैं, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू जो होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड कि फ्यूचर में हमें आज की डेट में अगर हम फ्यूचर की कैश फ्लोज को निकाल लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो दिस इज फंडामेंटल। अब इसके वेरिएबल्स क्या है, इसको तीन टाइप से देखा जाता है, इसके तीन वेरिएबल होते हैं, कंपनी इकोनॉमी एनालिसिस करके, इंडस्ट्री एनालिसिस करके एंड कंपनी एनालिसिस करके। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस एंड क्या है। अब इकोनॉमिक में देखो, इकोनॉमी को कौन कौन अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन और मानसून, ये 4 चीज़ें हमारे इकोनॉमिक को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे इफेक्ट करता है, वही इफेक्ट आपके एनालिसिस पड़ेगा जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो नेशनल इनकम को पता है, हमने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता है, नेशनल इनकम निकालने का जो वे आउट होता है तो वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं ये आपकी फंडामेंटल एनालिसिस को। उसके बाद इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ सेक्टर है, तो अगर वो बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, डाउन होगा तो इकोनॉमी भी डाउन होगी। इन्फ्लेशन ऑफकोर्स डिपेंड करेगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस जो है इकोनॉमी पे, और CPI का जो रहता है कंज्यूमर प्राइस। उसके बाद मानसून का भी लिंकेज होता है डायरेक्टली, बिकॉज मानसून अच्छा जाता है तो उस पर स्टॉक मार्केट, देखो स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है मानसून अच्छा रहता है तो स्टॉक मार्केट भी डाउन हो जाता है। अगर मानसून टाइम पे नहीं आता है, फिर उसकी जो इम्पैक्ट था वो वाला इम्पैक्ट नहीं होता जो एंटिसिपेटेड था। टेक्निक्स क्या होती है इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करने की, इसकी 3 टेक्निक है, ABE, एंटिसिपेटरी बैरोमीटर और इकोनॉमिक बिल्डिंग मॉडल अप्रोच। तो एंटिसिपेटरी क्या होते हैं, पहले एंटिसिपेट करना कि एक्सपर्ट ओपिनियन देखना कि क्या सीन हो सकता है, क्या एक्सपेंडिचर प्लांट और मशीनरी का होगा, तो उस पर डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, तो एंटिसिपेटरी मेथड। देन बैरोमीटर इंडिकेटर का क्या, फ्यूचर का डिपेंड करते हैं, इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं क्या इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, लीडिंग रफली इंडिकेटर्स एंड लैगिंग। लीडिंग अगर वो पहले निकाल लेते हैं जो भी हाई लो पॉइंट्स होगा, ठीक है, और लैगिंग आफ्टर द टाइम, जब टाइम द सीरीज डाटा आ जाता है उसके बाद निकलता है। और रफली कोइंसिडेंटल ये हाई एंड टफ, जो हाई एंड टफ रहेगा, हाई और लो वो वाले जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो पहले इंडिकेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर इंडिकेटर। लास्ट में आता है इकोनॉमिक बिल्डिंग मॉडल अप्रोच, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो भी मॉडल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसका आइडिया लग जाता है। इससे क्या करते हैं हम, वही नॉर्मल मेथड जो हम वहाँ पे कर देते हैं, एस्टिमेट करते हैं हम टोटल इनकम को, देन एस्टिमेट करते हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ इनकम को, फोरकास्टेड GNP निकालते हैं, देन कंपैरिजन करते हैं कि जो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच में 4 वेज होते हैं, एस्टिमेट करो टोटल इनकम को, देन एस्टिमेटिंग करो लेवल जो कंपोनेंट ऑफ टोटल इनकम है, देन GNP जो आई है फोरकास्टेड, देन कंपेयर करो जो भी रहा है डाटा इंडिपेंडेंट एजेंसी से, तो क्या ओवरऑल टेस्ट किया है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये 3 अप्रोच रहती हैं, टेक्निक होती हैं इकोनॉमिक मॉडल की। ठीक है, तो इसकी मेमोरी टेक्निक ये ABE ही से याद रख सकते हैं, सीरीज में ये ABE, एंटिसिपेटरी बैरोमीटर एंड इकोनॉमिक बिल्डिंग मॉडल अप्रोच। उससे पहले 4 पॉइंट थे हमारे, नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और हमारा एक था मानसून और इन्फ्लेशन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा चाहते हैं सेकेंड जो इसी में हमारा सेकंड इंडिकेटर जो वेरिएबल है जो अफेक्ट करता है हमारे इंडस्ट्री एनालिसिस के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहले इंडस्ट्री में क्या, एक इंडस्ट्री का मतलब होता है उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज हो जाती है, उनकी डिमांड सप्लाई होती है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सेल्स कम हो जाती है, टाइम पे आके उसकी सेल्स खत्म ही हो जाती है, और डिमांड एंड सप्लाई गैप जो रहता है, अगर एक्सेस रहता है, अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आता है अगर डिमांड से कम सप्लाई है तो। और फिर बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर ही अगर कम मार्केट में एंट्री करेंगे लोग तो कम प्रॉफिट रहेगा,
या जो इंडस्ट्री ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो बैरियर्स टू एंट्री भी इसका एक रीज़न हो सकते हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट का एटीट्यूड। अगर गवर्नमेंट आपको फेवर करती है, जैसे कि गुजरात में है, अगर आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है आपकी इंडस्ट्री पर, उससे बेटरमेंट होता है, वरना फिर ये भी कम रह जाता है इंडस्ट्री का एनालिसिस। उसके बाद स्टेट ऑफ कंपटीशन डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन है आपके उसमें, तो ये भी अफेक्ट करता है इंडस्ट्री को। लास्ट में कॉस्ट कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भी इंपैक्ट करता है इंडस्ट्री में। क्या क्या डिपेंड करता है हमारा पीडी, प्रोडक्ट एंड देन डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री है, बीजी और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एटीट्यूड, स्टेट ऑफ कंपटीशन एंड देन कॉस्ट कंडीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्निकल रिसर्च। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट हैं इसमें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, स्टेट ऑफ कंपटीशन, कॉस्ट कंडीशन, प्रॉफिटेबिलिटी। इसके दो ही मेथड होते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। मतलब जितना इनपुट करें आउटपुट कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसको मैक्सिमम आउटपुट ले सकें अपने इनपुट से। तो ये दो टेक्निक्स होते हैं इसको करने की, रिग्रेशन एंड इनपुट आउटपुट। तो ये हमारे इंडस्ट्री के फैक्टर्स थे और उसकी टेक्निक्स थी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है। कंपनी एनालिसिस हमें देखना है। तो फर्म और कंपनी एनालिसिस करते टाइम हमें इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है कि मुकेश अंबानी के लिए पर नेटवर्थ सोर्सेज के पैटर्न का मार्केटेबिलिटी से ग्रोथ साइज क्वालिटी फाइनेंशियल एनालिसिस करती है। तो ये याद हो तो कर लेना, वरना अगर आपको डायरेक्ट कोई और वे आउट है तो वैसे देख लेना। जिसके 9 पॉइंट 9-10 पॉइंट है जो ऐसे याद कर सकते हैं हम डायरेक्टली। सबसे पहले लेबर मैनेजमेंट नेटवर्थ सोर्सेज एक कंपनी का एनालिसिस करने के लिए हम क्या क्या देखना होगा। लेबर मैनेजमेंट, नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू, सोर्सेज एंड यूसेज ऑफ फंड की डाटा, इक्विटी है। देन हमारा आता है पैटर्न क्या है, ठीक है, इसका स्टॉक होल्डिंग पैटर्न क्या है। देन मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर क्या है, मार्केट प्राइस है। ग्रोथ साइज, ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ रिकॉर्ड। देन साइज से हमारा आता है टाइम सीरीज, साइज एंड रैंकिंग क्या है, ठीक है। देन हमारा एक पॉइंट आता है इसमें, रह गया क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये 5-6 पॉइंट, ये 10 पॉइंट है जो याद कर लेना। ये समझाने लायक कुछ भी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा नाम पढ़ के। तो ठीक है, ये 10 पॉइंट याद हो तो ऐसे कर लेना कि मुकेश अंबानी के लिए बट नेटवर्थ सोर्सेज के पैटर्न की मार्केटेबिलिटी से ग्रोथ साइज क्वालिटी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करती, ठीक है। इसके जो टेक्निक्स इसकी वह कोरिलेशन, रिग्रेशन, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री, तीनों स्टैटिस्टिकल मेथड है। पिछले वाले में भी 2 स्टैटिस्टिकल मेथड थे, किसमें, इंडस्ट्री एनालिसिस में, कौन कौन सा, रिग्रेशन एंड इनपुट आउटपुट। यहाँ पे रिग्रेशन, कोरिलेशन है, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस भी है। तो ये हमारे मेनली फंडामेंटल के जो थे तीन वेरिएबल्स थे, उनके हमने टेक्निक्स कर लिए एंड फैक्टर्स कर लिए। अब चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस, अनदर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इधर फंडामेंटल देन टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस वो एनालिसिस होता है, एक होता है हमने पढ़ा था फंडामेंटल वैल्यू, जो हम ग्रोथ जो मॉडल होते हैं ना उससे निकालते हैं कि डिविडेंड की आज की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी कैश फ्लोज आने वाले हैं, वो तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बेसिस पे हम शेयर खरीदे या नहीं खरीदे वो डिसाइड करते हैं, डिपेंड ऑन द डिविडेंड एंड जो भी आपका रेट वगैरह अवेलेबल। बट यहाँ पे जो प्राइस चार्ट वगैरह पे देखते हैं, पीछे से जो ट्रेंड चला रहा है उसके बेसिस पे जो एनालिसिस होता है वो कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की अजम्पशन है, अजम्पशन क्या क्या है इसमें, मेमोरी टेक्निक वगैरह ज़्यादा नहीं, बट समझने की बात है, याद हो जाएगा करेंगे तो। देखो ये बोलता है टेक्निकल एनालिसिस की अजम्पशन क्या है कि खाली ये वर्ड्स पे ध्यान देना, जो सप्लाई एंड डिमांड है फॉर स्टॉक, जो मार्केट वैल्यू एक स्टॉक की डिपेंड करती है, मार्केट वैल्यू जो है एक स्टॉक की डिपेंड करती है हमारा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्टॉक पे, जो भी एक मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड है, और स्टॉक की सप्लाई एंड डिमांड किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के सर्वल फैक्टर्स, गवर्नड बाय सर्वल फैक्टर्स, गवर्नमेंट के नहीं मतलब कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर एनपीए के बारे में कोई डिसीजन आया तो बैंक्स का जो है आपका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टॉक है। सप्लाई एंड डिमांड इज एक्चुअली गवर्न बाय सर्वल फैक्टर्स, सर्वल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट के फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी, पॉलिसीज निकाल दी एनपीए से रिलेटेड, अगर एनपीए से रिलेटेड पॉइंट्स आए तो फिर बैंक्स का जो है स्टॉक जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी अकॉर्डिंगली। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, बोलता है स्टॉक प्राइसेस जो है जनरली ट्रेंड्स में मूव करता है, विच कंटिन्यू फॉर ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, स्टॉक प्राइस मूव करता है ट्रेंड में, ठीक है, थर्ड अजम्पशन ये है इसकी। एंड लास्ट अजम्पशन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज ऑन चार्ट, ठीक है। तो लास्ट ये पॉइंट है, तो चार अजम्पशन क्या क्या याद, अगर हम याद करना है तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्राइव होती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्टॉक पे, देन स्टॉक की जो डिमांड सप्लाई है वो गवर्न करते हैं
कुछ सर्वल फैक्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के या जो भी हो सकते हैं, उसके बाद स्टॉक प्राइस मूव्स करता है ट्रेंड में एंड टेक्निकल एनालिसिस रिलाई करता है चार्ट, तो चार पॉइंट ऐसे लर्न कर लेना याद हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं तीन चीज़ें। मार्केट डिस्काउंट करता है एवरीथिंग, कि डिस्काउंट कंपनी का जो शेयर प्राइस है इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट विल बी फंडामेंटल ऑफ ए कंपनी, ठीक है। उसके बाद प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, प्राइस मूव करता है ट्रेंड में, अगर मान लो पीछे से एक ट्रेंड चला आ रहा है तो उसमें चलता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो पास्ट में हुआ है दोबारा से हो सकता है। तो ट्रेंड्स, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ एंड प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स एंड मार्केट हिस्ट्री टेंड टू रिसीव इटसेल्फ, ठीक है। तो ये थे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशन, प्रिंसिपल्स एंड मीनिंग। अब चलते हैं इसकी थ्योरीज है, तीन थ्योरी हैं, एलीट वेब थ्योरी, चार थ्योरी हैं, एलीट वेब थ्योरी, डाउ जोन थ्योरी और ऐसी हमारी एक हमारी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है और एक हमारी रैंडम वॉक थ्योरी। तो हम चलते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलीट वेव थ्योरी। एलीट वेव थ्योरी क्या, इंस्पायर्ड की थी, डाउ थ्योरी से इंस्पायर्ड है। 75 ईयर्स का जो स्टॉक का डाटा प्राइस रहता है उसके अकॉर्डिंगली बनाई गई थी, ठीक है। प्राइस मूवमेंट डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ वेव्स, जैसे वेव होती है सी की, उस वे में है कि या तो ऐसे जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। जैसा कि डाइग्राम में दिखाया है, इंपल्सिव वेव होती है जो पहले ऊपर की तरफ जाती है, तो आपकी वेव या तो ऊपर जा रही होती है नीचे जा रही होती है, उनको करेक्ट करने के लिए दूसरी वेव आती है, दैट इज़ करेक्टिव वेव। तो इंपल्सिव जो पहले उठती है, यानी कि जो ऊपर जाती है नीचे जाती है, जैसे कि वेव वन है, यहाँ पे देखो वेव वन है इस पिक्चर में, यहाँ पे वेव वन है, वेव थ्री है, वेव फाइव, ये सब क्या है ऊपर जा रही है, तो इंपल्सिव वेव। देन इसको करेक्ट करने के लिए दूसरी वेव जो आ रही है वेव टू एंड वेव फोर, ये करेक्टिव वेव्स होती हैं। तो ये उनका उल्टा हो जाता है, अगर बुल है तो बेयर हो जाएगा करेक्टिव में, और बेयर है तो बुल हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल हो जाता है ऐसे वेव से। तो दिस इज एलीट वेव थ्योरी। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डाउ जोन्स थ्योरी। डाउ जोन्स थ्योरी अब एलीट वेव थ्योरी होगी। डाउ जोन्स थ्योरी क्या है? ये ओल्डेस्ट एंड फेमस मॉडल है, ओरिजिनेटेड बाय चार्ल्स डाउज, ठीक है। ये चीज पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में आता है। रिलेटिव मार्केट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट के, उस पर डिपेंड करती है, उसको डिटरमाइन करती है। बैरोमीटर ऑफ बिजनेस भी यूज की जा सकती है, ठीक है। एंड ये जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज है उस पर ली गई है। इसमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है जनरली, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट एंड डेली फ्लक्चुएशन। तो ठीक है, तो प्राइमरी जो मूवमेंट है वो 36 मंथ 3 साल तक रहती है। सेकेंडरी मूवमेंट जो है उसका ड्यूरेशन उससे कम होता है प्राइमरी से, बट इसका 2 वीक्स to 1 month तक रहता है। एंड डेली फ्लक्चुएशन मतलब डे टू बेसिस पे जो फ्लक्चुएशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। डाउ थ्योरी का पर्पज़ क्या होता है? इज टू डिटरमाइन वेयर द मार्केट इज गोइंग एंड प्रैक्टिस सक्सेसफुली हाई एंड सक्सेसफुली लोज आर हायर। इफ द सक्सेसफुल एंड हाई एंड आज लो और आज लोअर, देन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज डाउन एंड बेयरिश, ठीक है। अगर लोअर है तो डाउन एंड बेयरिश, पर आपको एंड हाई है अपवर्ड टुवर्ड्स मूव्स है, देन इट वुड बी बुलिश। तो ये था हमारे डाउ जोन थ्योरी। ये तो कुछ पॉइंटर्स याद रख लेना, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प आए, ठीक है। दैन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी क्या है? रैंडम वॉक थ्योरी मतलब रैंडम वॉक किसकी होती है? रैंडम वॉक उस बंदे की होती है जिसने ड्रंक किया होता है, जिसने शराब पी हुई होती है, तो उसी के बिहेवियर को एनालाइज करता है। तो ये कहते हैं, इसका भी यही कहना है कि जैसे कि एक बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइक देर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट प्राइस ऑफ द फ्यूचर एंड देयर फ्यूचर प्राइस। तो इसमें कहते हैं जैसे कि एम जी केंडल ने यह दिया था, फाउंड दैट चेंजेस इन सिक्योरिटी प्राइस बिहेव नियरली एज इफ दे आर जनरेटेड बाय ए सूटेबल डिजाइंड रूलेट व्हील फॉर ईच आउटकम। तो इन लेमन लैंग्वेज इट कैन बी सेड स्टॉक मार्केट बिहेव एग्जैक्टली द वे ड्रंक बिहेव वुड ब्लाइंड ऑन ए ब्लाइंड लेन, की तरह चलता है, कभी इधर गिरने वाला होता है, कभी इधर गिरने वाला होता है एक बंदा जिसने शराब पी हुई है। तो ये भी उसी को रैंडम वॉक थ्योरी को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके दो तीन आर्ग्यूमेंट जो है कि प्राइस ऑफ द शेयर इन मार्केट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड एंड इट्स रिप्रेजेंट स्टेटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ डाटा। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे रैंडम वॉक थ्योरी के, ये लर्न कर लेना पॉइंट ऑफ। थर्ड पॉइंट था, इसमें कहता है कोई कनेक्शन नहीं बिठाया जा सकता फ्यूचर प्राइस में और बी के प्राइस में। तो तीन प्राइस दैट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड एंड दिस रिप्रेजेंट स्टेटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट डाटा एंड देर इज नो कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। देन एक ये मार्केट इंडिकेटर होता है टेक्निकल एनालिसिस का कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, या तो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, मतलब हाई या तो पीक बिकम्स द रेजिस्टेंस लेवल एंड व्हेन द इंडेक्स प्राइस रिबाउंड्स आफ्टर रीचिंग अ ट्रफ बॉटम, सब्सिक्वेंटली वैल्यू लोएस्ट वैल्यू रीच बिकम्स द सपोर्ट लेवल। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है हमारा?
जो ऊपर जाता है ट्रफ, ठीक है, आफ्टर रीचिंग बॉटम ऊपर जाता है और नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है, तो ऊपर वाला जो होता है रेजिस्टेंस और नीचे जो जाता है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करना होता है और फिर रेजिस्टेंस, तो ये एक इंडिकेटर होता है मार्केट का, डायग्राम इसका नीचे, इसको देख लेना, पढ़ लेना ऐसे। आगे चलते हैं, जिसमें दो प्रेशर हो जाते हैं, सपोर्ट में बाइंग प्रेशर और सेलिंग में रेजिस्टेंस लेवल में सेलिंग प्रेशर, क्योंकि इतना हाई चला जाता है वो। इवेल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को इवेल्यूएट करते हैं, इसमें क्या चार लोगों ने इसके बारे में बोला है, आर्ग्यूमेंट किया है कि क्यों बेटर है और आर्ग्यूमेंट करा है इसके अगेंस्ट में, चार लोगों ने चार पॉइंट्स उसके बारे में, तो तीन पॉइंट इसके अगेंस्ट फेवर में, तीन पॉइंट चार पॉइंट अगेंस्ट में। तो आर्ग्यूमेंट जो कहता है टेक्निकल एनालिसिस, कहते हैं कि क्राउड साइकोलॉजी को फॉलो करता है, ट्रेंड अप रजिस्ट फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए ट्रेंड रहता है, पूल टूल्स ऑफ टेक्निकल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दिस ट्रेंड्स अर्ली एंड हेल्प इन इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजन, तो ये कहता है क्राउड साइकोलॉजी को हेल्प इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसकी हेल्प करता है इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग। और ये क्या बोलते हैं कि जो भी होता है टेक्निकल एनालिसिस में ये ग्रेजुअल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता अचानक से कुछ होगा, इंस्टेंटली कुछ नहीं होता, एक ग्रेजुअल लेवल पे होता है। हेल्प्स इन डिटेक्टिंग हिज शिफ्ट रेदर देन अर्ली एंड हेल्प्स प्रोवाइड क्लूज टू फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, तो कह रहे हैं ग्रेजुअली, या तो डिक्रीज होगा ग्रेजुअली होगा, इंक्रीज होगा ग्रेजुअली होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि फटाफट हो जाए। उसके बाद लास्ट में बोलते हैं प्राइस मूवमेंट टेम टू कंटिन्यू मोर और लेस इन सेम डायरेक्शन, इसमें क्या है एक सेम डायरेक्शन में चलता है जब तक कि इन्फॉर्मेशन इज फुली एस्टिमेटेड इन स्टॉक प्राइस। तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्राउड साइकोलॉजी को फॉलो करता है और डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है, देन ग्रेजुअल लेवल पे डिमांड सप्लाई शिफ्ट करती है इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट, देन प्राइस टेंड्स टू मूव इन सेम डायरेक्शन। तीन पॉइंट्स जो आपको आर्ग्यूमेंट थे टेक्निकल एनालिसिस के, और टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि टेक्निकल एनालिसिस नॉट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, ठीक है, उसके बाद सपोर्ट करता है रैंडम हाइपोथेसिस को, मतलब कि कैसे भी कर सकता है, कोई प्रोडक्शन है नहीं, तो टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स देखने में, इंपेरिकल एविडेंस करते हैं कि ये सपोर्ट करता है रैंडम हाइपोथेसिस को, बाय द टाइम कैन ट्रेंड अप एंड डाउन मे हैव सिग्नल्ड बाय टेक्निकल, इट मे ऑलरेडी हैव टेकन प्लेस, कि एक बोलते हैं कि जब तक आपको पता चले कि ट्रेंड डाउन है अप डाउन है तब तक हो चुका होगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं चलेगा। एंड लास्ट में बोलते हैं अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस मस्ट बी सेल्फ डिफीटिंग प्रीपोजिशन, मतलब अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रीपोजिशन है टेक्निकल एनालिसिस का। तो चार पॉइंट हो गए, नॉट एबल टू ऑफर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, सपोर्ट ऑफ रैंडम वर्क थ्योरी हाइपोथेसिस, एंड सिग्नल करता है कि जब तक कि आपको पता चले अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इट मे ऑलरेडी हैव टेकन प्लेस, सिग्नल करते करते, एंड लास्ट में सेल्फ डिफीटिंग प्रीपोजिशन होती है टेक्निकल एनालिसिस की, होनी चाहिए। अब चलते हैं लास्ट थ्योरी पे, दैट इज़ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के तीन टाइप होते हैं, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। इसमें सभी पास्ट, देखो वीक फॉर्म में सभी पास्ट के जो हुआ जाते हैं, और सेमी स्ट्रॉन्ग में जो प्राइस है वो पता चल जाता है, बट ऑल अदर पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है इन्फॉर्मेशन, और स्ट्रॉन्ग में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों कंसीडर होती है। तो देखो वीक फॉर्म में ओनली प्राइवेट पता चलता है, और सेमी स्ट्रॉन्ग में पब्लिक प्राइस को अवेलेबल हो जाती है इन्फॉर्मेशन, और सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में पब्लिक एज वेल प्राइवेट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन में, तो जरूरी नहीं है वो भी आपको प्रॉफिट करके दे दें। लास्ट होता है स्टॉक मार्केट इज इरेशनल, तो आप कंपिटेटिव एडवांटेज रहेंगे तो भी प्राइस चेंजेस तो रैंडम है ही, तो ये चार मिसकंसेप्शन हमारी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, इसके तीन चैलेंजेस है LIM, ठीक है, तो L लिमिटेड, इसके LIM लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन कैपेबिलिटीज आर शार्पली लिमिटेड, इरेशनल बिहेवियर, इन्वेस्टर बिहेव सो इरेशनल बिकॉज मार्केट प्राइसेज एंड इंटरेस्टिंग वैल्यूज दोनों अलग अलग हैं, जरूरी नहीं से जो आपको लग रही जो आपकी वैल्यू आ रही है मार्केट भी वही वैल्यू निकाले। एंड लास्ट में आते हैं मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस, अगर मोनोपोलिस्टिक रहेगी तो वो मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस रहेगा तो मार्केट की जो कंपेटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएगी, तो ये थर्ड पॉइंट रहता है मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो हमारे तीन पॉइंट रहते हैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैपेबिलिटीज, इरेशनल बिहेवियर एंड मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस। उसके बाद हमारा चलता है मार्केट इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, फाइव मार्केट इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उसके शॉर्ट ठीक है, वेरी कॉन्फिडेंट प्रो, वेरी वी फॉर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, सी फॉर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस इंडेक्स, देन बी आर ओ से ब्रेथ इंडेक्स आपका, आर से रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ओ से आपका ओड लॉट थ्योरी। तो ब्रेथ इंडेक्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जितने भी टोटल आपके एडवांस डिक्लाइंस होते हैं उनको नंबर ऑफ इश्यू ट्रेडेड पर डिवाइड करके वो निकाल जाता है। जनरली डाउ जोन्स एवरेज से जो है सपोर्ट करता है,
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड करती है आपके प्राइस हाई जाने वाला है डाउन जाने वाला है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ट्रांजेक्शन। दैट इज देन आता है हमारा कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इसमें कहता है कि मार्केट जो हमारे इन्वेस्टर है उनका क्या आइडिया है कि मतलब वट आर देयर विलिंगनेस टू परचेज। अगर राइजिंग कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो राइटिंग स्टॉक मार्केट फॉल करने वाला है तो जरूरी नहीं है उसमें ड्रॉप हो सकता है स्टॉक प्राइसेस में। अगर उल्टा होता है फॉल इन कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिप्रेजेंट दैट लो ग्रेड एंड बॉन्ड्स आर राइजिंग फास्टर। तो अगर फॉल होता है तो लो ग्रेड्स फास्ट इंक्रीज होते हैं, बट अगर आपका जो राइज कर रहा है तो फिर हाई जो आपके बॉन्ड्स वगैरह वो इंक्रीज करते हैं। इसमें दो आते हैं कॉन्फिडेंस इंडेक्स में। देन आता है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस कहते हैं क्या होते हैं, मान लो अगर आपका मार्केट बुल है तो जरूरी नहीं कि आपका सेम स्पीड से बढ़ेगा। कुछ जो स्टॉक होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस होते हैं वो उस मार्केट की बुलिशनेस से भी ज़्यादा हाईली बढ़ सकते हैं, और ऐसे ही जब बेयरिश आएगा तो जरूरी नहीं कि वो सेम स्पीड में चलेंगे। कुछ सिक्योरिटीज़ ज़्यादा आपकी ज़्यादा स्लोली डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज़ करके आपका या तो उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो इन्वेस्टर का डिपेंड करता है, थोड़ा पढ़ लेना, और मेनली तो ये पॉइंट है उसके बाद ये याद कर लेना। हॉटलॉट थ्योरी लास्ट आता है, ये कहता है एवरेज पर्सन इसमें कहता है जो जनरली एक एवरेज पर्सन का अजम्पशन होता है वो जनरली रॉन्ग होता है। एक वाइज कोर्स ऑफ एक्ट टू स्टडी हॉटलॉट थ्योरी यूज टू प्राइमली प्रिडिक्ट द टॉप मार्केट्स इन बुल एंड देन आल्सो प्रिडिक्ट रिवर्सल्स इन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। तो इसको पांच पॉइंट्स याद करने का वे था वेरी कॉन्फिडेंट ब्रो, वेरी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंस इंडेक्स ब्रेड्थ इंडेक्स आर से रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ऑफ से हॉटलॉट थ्योरी रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जहाँ तक है चार्टिंग टेक्निक्स। अब चार्ट हमने कब से पढ़े हुए हैं, एक्सेल में भी इतने यूज़ करें। लाइन चार्ट होता है, देन बार चार्ट होता है। लाइन चार्ट वही जो एक लाइन आपको ड्रॉ होती है चलती रहती है, एंड देन बार चार्ट हमारा ऐसा निकलता है या तो ऊपर जाते हैं ना ओपनिंग प्राइसेस। ये स्टडी मैट में दिया हुआ है पॉइंट, और क्वेश्चन तो नहीं था, स्टडी मैट से उठाया। तो ये पढ़ लेना, जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि बार के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है लेफ्ट और राइट जो हॉरिजॉन्टल प्राइस होता है। तो बार चार्ट, लाइन चार्ट, देन थर्ड हमारी चार्टिंग टेक्निक जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट जैसा बनता है। हाई ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, देन हाई ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये होता है जापान कैंडलस्टिक। ये अपने स्टडी मैट में दिया हुआ है, वहीं की पिक्चर है। तो मार्केट का ये प्राइस होता है, ये होता है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये तीन चार्टिंग टेक्निक है, लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होते हैं, डोजी कैंडलस्टिक्स एंड हमारा ब्लैक वाइट कॉन कैंडलस्टिक्स। तो ये पढ़ लेना है, तीन चार्टिंग टेक्निक्स है। और ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया आज का सिक्योरिटी एनालिसिस का टॉपिक। तो यहाँ पे हमारी ऑल जो फाइव क्लासेस थी हमारी जो थ्योरी से रिलेटेड होनी चाहिए थी SFM में, सारी ख़त्म हो चुकी है और हमने सारा कवर कर लिया है। और ये जो वीडियोस बनाई हैं ये बेस्ड, और ये फाइल जो बनाई है इसका नाम दिया है 20 marks से 25 pages बेस्ड ऑन द पास्ट एग्ज़ाम जो एनालाइज किया हमने, कि जो पांचों चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे हमारे कवर हो गए हैं। और जो पास्ट में एग्जाम में पूछा गया है वो पांच क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन पांच चैप्टर से पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। सिर्फ एक क्वेश्चन बाहर से आया हुआ था, जैन में तो सारे यहाँ से आ गए, और वहाँ पे एक क्वेश्चन बाहर से आया था जुलाई में, और ऐसे दिसंबर में एक क्वेश्चन बाहर से आया और पाँच यहाँ से है। तो पाँच यानी कि 4 marks का एक क्वेश्चन आएगा, 5 marks आपके इन पाँच चैप्टर से कवर हो जाएंगे, पाँच क्वेश्चन। तो 4 × 5 आपके 20 marks इस PDF से कवर हो सकते हैं अगर पेपर एनालिसिस वही रहता है जो अभी तक का ट्रेंड है। ऐसे अगर अलग मूड में होगा तो कह नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ से आपके 20 marks कवर हो जाएंगे। उसी बेसिस पर मैंने इस फाइल का नाम दिया था। तो विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स, और कुछ भी मेरे को लगेगा ऐसा कुछ हेल्पफुल है तो मैं शेयर करता रहता हूँ मेरे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको भी हेल्प हुई है तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और यहाँ पे थैंक्स फॉर बींग पार्ट ऑफ आवर चैनल।